If you like the video, subscribe our channel and press bell icon to get the notification of new videos. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th बी हाइव की पोएम नंबर 2 विंड, दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय सुब्रमण्य भारती। ये पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई प्रेजेंट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम टू यू। इन दिस पोएम द पोएट हैज वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस हिज आइडियाज अबाउट बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ द विंड। इस पोएम के अंदर पोएट ने दोनों तरह के इसके हवा के दोनों पहलुओं की चर्चा की है। दोनों पहलू कौन कौन से, एक रचनात्मक और एक विनाशकारी। तो दोनों तरह से ये इसने इस पोएम के अंदर बताने की कोशिश की है। द विंड मोक द वीक मैन, और ये कहता है इसी के साथ कि हवा जो है, तेज हवा स्टॉर्म जो है, वो कमजोर लोगों की मजाक उड़ाता है। विंड सिंबलाइजेज द डिफिकल्टीज दैट आर फेस्ड इन लाइफ। विंड को जीवन के उन परेशानियों, मुश्किलों और कठिनाइयों से कंपेयर किया गया है, और डायरेक्ट कंपेयरिंग है तो इसलिए इसको मेटाफर भी कह सकते हैं। व्हेन वी हैव द एंड्यूरेंस टू बेयर द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ वी कैन ओवरकम ईच चैलेंज, बट इफ वी आर वीक एंड अनस्टेबल वी बिकम द प्रे ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। तो क्या होता है कि यहाँ एक बताने की कोशिश की है कि अगर हम कमज़ोर हैं तो हवा हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हमारा नुकसान कर देती है, लेकिन अगर हमारे अंदर धैर्य है, धीरज है, सहन शक्ति है, किसको सहन करने की, जीवन की डिफ़िकल्टीज परेशानियों को सहन करने की, तो हम इन कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। वी कैन ओवरकम ई चैलेंज ऑफ लाइफ, हम जिंदगी के हर चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं। बट इफ वी आर वीक एंड अनस्टेबल वी बिकम द प्रे ऑफ द डिफिकल्टीज, लेकिन अगर हम कमजोर हैं और अस्थिर हैं, एक जगह टिकने वाले नहीं हैं, तो हम इसका शिकार बन जाते हैं। किसका, डिफिकल्टीज का, कठिनाइयों का शिकार बन जाते हैं। वी शुड बी स्ट्रांग एनफ टू फेस ऑल द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ विद करेज। तो हवा का ये डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट जो है वो हमें ये भी सिखाता है कि हमको काफ़ी ताकतवर, यानी कम से कम इतना ताकतवर होना चाहिए कि उस तेज हवा का हम सामना कर सकें, उसे बर्दाश्त कर सकें, यानी जीवन की कठिनाइयों को हम धैर्य रखते हुए उनका सामना कर सकें, और इतना हौसला, इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए। नाउ आई एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन। विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे से आना। Don't break the shutters of the windows. मेरी खिड़कियों के जो शटर हैं, जो फ्रेम हैं, उनको मत तोड़ना। Don't scatter the papers. और ये जो कागज रखे हुए हैं टेबल के ऊपर या इधर उधर रखे हुए हैं, scatter, इनको इधर उधर मत बिखरा देना, क्योंकि हमें पता है कि जब हवा तेज होती है तो कागज इधर से उधर हो जाते हैं। Don't throw down the books on the shelf. और अलमारी के ऊपर जो मेरी किताबें रखी हुई हैं, उनको मत गिरा देना। तेज हवा सामानों को गिरा देती है, हवा तो इतनी तेज भी होती है कि वो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ देती है। देयर लुक व्हाट यू डिड, अरे आहा, देखो उधर तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी किताबों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और इन किताबों के पेजेस को तुमने फाड़ दिया है, टोर कर दिया है। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश को ले आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने में तुम बहुत चतुर हो। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत ही चतुर हो एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाने के लिए। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गोज विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो यहीं से लेंगे, फ्रेल कमजोर, क्रम्बलिंग चरमराते हुए हाउसेस घर, क्रम्बलिंग डोर्स चरमराते हुए दरवाजे, क्रम्बलिंग राफ्टर्स और चरमराती हुई छतों का फ्रेम, क्रम्बलिंग वुड चरमराती हुई लकड़ियां, क्रम्बलिंग बॉडीज और चरमराते हुए बदन, क्रम्बलिंग लाइव्स और चरमराती हुई जिंदगियां, क्रम्बलिंग हार्ट्स और चरमराते हुए दिल। तो यहां से हमें ये पता चल जाता है इसी से कि हमारे बदन को काफी फिट होना चाहिए, मेंटली भी और फिजिकली भी, जिस
जिससे हम जीवन की हर कठिनाई को, हर मुश्किल को, हर परेशानी का सामना हम बहादुरी से कर सकें। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड हवा का देवता विनोज, विनोज विनोइंग जो है एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब अनाज तैयार हो जाता है, कट जाता है, तो उसके भूसे को उड़ाने के लिए उसे छाछ में लेकर के या किसी और चीज में लेकर के ऊपर से लेडीज या जेंट्स भी ऐसे ऐसे डालते हैं जिसमें से उसके अंदर जो भूसा होता है, जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज होती है, वो निकल जाती है। तो पिछोड़ना इसको बोलते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। और पवन देव जो होते हैं वो इनको पिछोड़ देते हैं और क्रशेस देम ऑल, सबको तबाह कर देते हैं। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। ही यहाँ पे आया है किसके लिए आया है? विंड के लिए आया है। एक पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूं, जब हवा को हम नरमी से बहने वाली, सॉफ्ट बहने वाली, धीमे धीमे बहने वाली हवा होती है तो हम उसको फेमिनाइन जेंडर कंसीडर करते हैं, और जब वो डिस्ट्रक्टिव मैनर में यानी स्टॉर्म के शक्ल में होती है तो तब हम उसको ही करके एड्रेस करते हैं। तो यहां वही डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ विंड उसने बताया है, तो वो ये ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम। यू टेल हिम, यहां यू उसने किसे कहा है? या तो उसने रीडर्स को यू कह दिया है या अपने ही अंदर वो सेल्फ कन्वर्सेशन कर रहा है और अपने ही आप को कह रहा है। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उसे कहते हो वो वैसा नहीं करेगी। दैट मीन्स शी इज नॉट, ही इज नॉट योर स्लेव, वो तुम्हारा दास नहीं है। मैं इसको मैस्कुलाइन ही लूंगा। ही वॉन्ट डू व्हाट यू टेल हिम, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा और वो वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी, चूंकि वो तुम्हारा गुलाम नहीं है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ और मजबूत घरों का निर्माण करो। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, और दरवाजों को मजबूती के साथ बंद कर दो जिससे कि तेज हवा उन्हें खोल ना पाए। प्रैक्टाइज टू फॉर्म द बॉडी, और बदन को, अपने बॉडी को, शरीर को मजबूत कर लो, अभ्यास कर लो मजबूत करने का, दृढ़ कर लो। फॉर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और अपने दिलों को भी मजबूत कर लो, दृढ़ कर लो। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जब हम मजबूत हो जाएंगे, जब हम ताकतवर हो जाएंगे, इनफ स्ट्रांग हो जाएंगे, इतने ताकतवर हो जाएंगे कि विंड भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती या स्टॉर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तब क्या है, तब ये विंड जो है हमारी दोस्त या हमारा दोस्त बन जाता है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। एक और फेनोमिनन यहाँ पे उसने बताया है कि हवा जो होती है वो कमजोर आग, जैसे चिराग की, दिए की आग होती है, जैसे मोमबत्ती की आग होती है, ऐसी हल्की फुल्की आग को हवा बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश। लेकिन जब किसी फैक्ट्री के अंदर आग लगी होती है, जब किसी कारखाने के अंदर आग लगी होती है, बड़ी भयंकर रूप से आग लगी हुई होती है, तो हवा उसको फैलाने का और बढ़ाने का काम करती है, उसको बुझाती नहीं है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग fires roar and flourish. His friendship is good. इसकी दोस्ती अच्छी है. We praise him every day. रोजाना हम इसकी तारीफ करते हैं। Hope you understood the poem. इसके अंदर यही बताया गया है कि हमें हर तरह से mentally भी और physically भी strong बन के रहना है, तभी हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। Hope you understood all the points those I have told you. और इसमें एक चीज, चूंकि उसने जो है सिंबलाइज किया है विंड को, किससे सिंबलाइज किया है? कठिनाइयों से, डिफिकल्टीज से, तो इसको यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पोएट ने मेटाफर का यूज किया है। फॉर मोर वीडियोज कीप वॉचिंग अपैक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।